हाँ जी स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास, गुड इवनिंग बेटे। लास्ट क्लास के अंदर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज वाला चैप्टर स्टार्ट किया, जिदे अंदर आपने हेल्थ डिजीज डेफिनेशन, डिजीजेज किन्ने तरह दियां हुंदियां ने, बैक्टीरियल डिजीजेज, वायरल डिजीजेज अपने सारिया डिस्कस की थी, ठीक है। आज अपने को जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चैप्टर का सेकंड पार्ट है इम्यूनिटी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। फर्स्ट पार्ट के अंदर हेल्थ एंड डिजीजेस बारे सीगा, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर आप आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिदे अंदर बच्चे इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बारे डिस्कस करांगे। इम्यूनिटी डिस्कस करने तो पहले अपने को तीन वर्ड्स आते हैं, आई हैव इज एंटीजन, एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन। एंटीजन बेटे वो फॉरेन सब्सटेंस होता है जो बॉडी के अंदर एंटर करता है ते डिजीज कॉज करता है, दैट कुड बी बैक्टीरिया, दैट कुड बी वायरस, दैट कुड बी प्रोटोजोआ और एनी अदर इंसेक्ट, ठीक है। जो भी बॉडी के अंदर फॉरेन सब्सटेंस गया जिन्हें आपां नूं डिजीज कॉज की वो एंटीजन है, उदे अगेंस्ट बॉडी ने अपन नूं प्रोटेक्ट किया बाय मेकिंग सच काइंड ऑफ द सब्सटेंसेस दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। एंटीजन नूं रिप्रेजेंट करदे वर्ड ए जी नाल, एंटीबॉडी नूं रिप्रेजेंट करदे है ए स्मॉल बी दे नाल, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड एंटीबॉडी नूं रिप्रेजेंट करन लई यूज हुंदा है, जिमें एंटीबॉडीज फाइव टाइप्स दी होंदियां ने, दैट इज जी ए डी एम ई, इन्हां नूं कलेक्टिवली कहिंदे गैम डी, और वी कैन से जी ए एम डी ई। इन्हां नूं अगर लिखना है तो आपां लिखांगे आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी डी, आई जी ई, फाइव टाइप्स दी हो गया। हुण अपने को नेक्स्ट आ गया इम्यूनिटी की हुंदी है, व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बच्चे किसी भी बॉडी की एबिलिटी, इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी ऑफ ए पर्सन टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। हर एक की अपनी अलग अलग इम्यूनिटी हुंदी है, किसी की स्ट्रोंग है, किसी की वीक है, किसी नूं फटाफट डिजीज हो जाती है, किसी नूं थोड़ी देर बाद होती है, किसी नूं नहीं होती। दैट इज एबिलिटी ऑफ ए परसन टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी होंदी किवें, बूस्ट किवें होंदी है, इम्यूनिटी नूं बूस्ट करन लई कई मैथड्स ने। इम्यूनिटी अपने आप तो बूस्ट नहीं होगी ना, तो इम्यूनिटी नूं बूस्ट करन लई वी हैव इज द डिफरेंट काइंड ऑफ द मैथड्स। डिफरेंट काइंड ऑफ मैथड्स के अंदर की आ गया बेटे, सब तो फर्स्ट अपने को डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए है कि अपने को इम्यूनिटी की है। इम्यूनिटी नो एक वर्ड के अंदर अगर आप कही तो दैट इज द डिजीज रेजिस्टेंस, अपने शरीर नो बीमारियां दा ना होना, ठीक है। दैट इज द डिजीज रेजिस्टेंस, तुसी कितनी देर तक किसी डिजीज नो प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। उस तो बाद व्हाट वी हैव इज इम्यूनिटी, तो बाद अपने को की आ गया ससेप्टेबिलिटी, कि थोड़ी शरीर के अंदर कितनी जल्दी बीमारी है जड़ी वो चली जाती है, ससेप्टेबिलिटी। कई ने जड़े वो जल्दी ससेप्ट कर जाते हैं डिजीज नो, कई नहीं करते, तो दैट इज द ससेप्टेबिलिटी ऑफ ए परसन टूवर्ड द डिजीजेस। हुण इम्यूनिटी नो बूस्ट करन दा मैं हुणे क्या, इम्यूनिटी आंदी कित्थों दी है, ये किवें बनी, इहदे लई कई मैथडोलॉजीज हुंदियां ने अपने कोल। द फर्स्ट है बेटे, फर्स्ट इज द फर्स्ट मैथड, इतने आप आई एम राइटिंग इज इस बॉक्स के अंदर मैं लिख रही हूं बेटे डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बनी किवें,
मैथड है बेटे जिन्ना जल्द दैट इज एक्सपोजर ऑफ द बॉडी टू द डिजीजेस. फर्स्ट है इम्यूनिटी थ्रू डिजीजेस, कि जिन्या ज्यादा बॉडी डिजीजेस दे कॉन्टेक्ट चाहूगी, बैक्टीरिया वायरस दे कॉन्टेक्ट चाहूगी, इम्यून सिस्टम भी उन्ना ही स्ट्रोंग हुंदा जांदा. फॉर एग्जाम्पल अपने एक मिथ है या अपने को अपनी सोसाइटी के अंदर एक टॉक हुंदी है, वो है कि जिन्हों एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाए दोबारा नहीं हुंदा. दैट इज राइट. क्यों नहीं हुंदा? क्योंकि देखो सपोज एक बार परसन की बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स के एंटीजन्स चले गए, ठीक है, दीज आर द एक एंटीजन गया, इन्हें अपने आप मल्टीप्लाई किया, नंबर ऑफ एंटीजन बन गए बॉडी के अंदर. हुन इस तो बाद इस परसन की बॉडी ने ए अगेंस्ट फाइट करना चाहिया, पर होया कि इन्हों की मल्टीप्लीकेशन का रेट ज्यादा सीगा, बॉडी ओदे नाल ओना कोऑपरेट नहीं कर पाई. आपां मेडिसिन लई मेडिसिन दे थ्रू बॉडी दे अंदर मैमरी एंटीबॉडीज क्रिएट हो जांदियां ने. अगर दूसरी बार ये एंटीजन बॉडी दे अंदर जाऊगा तो यह फटाफट ओदे अगेंस्ट वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि वो डिजीज फ्यूचर दे अंदर बॉडी दे अंदर ना होए. बहुत सारे डिजीजेज नू बॉडी इस तरीके दे नाल प्रोटेक्ट कर लैंदी है, ठीक है. बट जो कॉमन कोल्ड है वो देखो वो अपन हर साल होंगे, हर किसी नू साल च चार बार भी हो जाता है, किसी नू साल च पांच बार भी हो जाता है, किसी नू हर महीने ही रहता है. तो कॉमन कोल्ड या रिनाइटिस है जेड़ा बेटे ओदे अंदर, क्योंकि ओदा रेट बॉडी दे अंदर स्टे करन दा बहुत घट है, ओदे अगेंस्ट कई बार बॉडी ओनिया स्ट्रोंग एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, इस करके बार बार हो जाता है. तो यह वाली जो डिजीजेज ने कुछ दे अगेंस्ट बॉडी अपनी मैमरी एंटीबॉडीज क्रिएट कर लेंदी है. तो फर्स्ट अपने को आया इम्यूनिटी थ्रू द डिजीजेज, सेकेंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. देखो थोड़ा कॉमन कोल्ड का आंसर आ गया, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज. जिहड़ा डिजीज लंबे समय तक बॉडी के अंदर रहा ओदे अगेंस्ट बॉडी ने ज्यादा एंटीबॉडीज क्रिएट कर लिया. अगर ओदा टाइम कट है, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, देखो जिवें कॉमन कोल्ड है वो अक्सर तीन या चार डेज तक रहता है, तो बॉडी ओनिया स्ट्रोंग एंटीबॉडीज नहीं बना पाती, क्लियर. तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज, डिजीज किन्ने टाइम तक बॉडी के अंदर रहती है. थर्ड है बेटे वैक्सीनेशन, जो आपां नूं बचपन दे अंदर वैक्सीन्स लगदियां ने, ओह वैक्सीन्स केड़ी केड़ी डिजीज नूं प्रिवेंट कर सकदियां ने, तुहानूं किन्नियां वैक्सीनेशन होनियां होईयां ने. तो वैक्सीनेशन ते डिपेंड करदा है कि तुहाडी बॉडी दे अंदर किन्नियां केड़ी केड़ी डिजीज है ओह नहीं होगी. नैक्सट है एंटी टॉक्सिनस. एंटी टॉक्सिनस हुंदे आ बेटे जो भी बैक्टीरियल टॉक्सिनस बॉडी दे अंदर प्रोड्यूस होए, तो दैट इज द एंटी टॉक्सिनस. टॉक्सिन दे अगेंस्ट जो भी आपां बॉडी नूं कोई सप्लीमेंट दिन्ने आ, जिवें सपोज किसी स्नेक ने बाइट किया, ओदे अगेंस्ट जो आपां नूं एंटी टॉक्सिन बाहरों प्रोवाइड किया गया, तो दैट ऑलसो बूस्ट द इम्यूनिटी. तो इम्यूनिटी नूं बूस्ट करन दे इह मैथड्स ने. तो अपने कोल की आया, फर्स्ट इज इम्यूनिटी की है, एंटीजन की हुंदा है, एंटीबॉडी की हुंदी है. आपां इम्यूनिटी नूं बूस्ट किवें कर सकते हैं, वट आर द मैथड्स टू बूस्ट द इम्यूनिटी, क्लियर. किन्ने टाइम तक डिजीज बॉडी के अंदर रहा, केड़ा डिजीज किन्ने डिजीज बॉडी के अंदर गए, केड़ी केड़ी वैक्सीन होई होई है, केड़ा एंटीटॉक्सिन थोड़ी बॉडी नू प्रोवाइड किया गया है. नैक्सट अपने को बेटे इम्यूनिटी का पता चल गया, इम्यूनिटी किन्ने तरह की होंगी है यह भी तो पता होना चाहिए ना. वी शुड नो कि इम्यूनिटी किन्ने टाइप्स की होंगी है. इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप्स, इट्स ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी, सेकेंड है एडेप्टिव इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होंगी है जो बाय बर्थ अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुई, दैट इज द टाइप ऑफ द इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इन अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द डिजीजेस, ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड एज द इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी इन बॉर्न इम्यूनिटी, तो वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इम्यूनिटी होंगी है. मतलब ओदे कोल इन्नी एबिलिटी है कि वायरस बैक्टीरिया हर एक दे अगेंस्ट इको जिन्ना ही फाइट करोगी, ओदे लिए वायरस भी उन्ना ही कैपेबल है, ओदे लिए बैक्टीरिया भी उन्ना ही कैपेबल है. सो इट इज सॉर्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ द इम्यूनिटी.
सो इनेट इम्यूनिटी की हो गया बेटे, दैट इज द इनबॉर्न टाइप ऑफ द इम्यूनिटी. इनबॉर्न टाइप ऑफ द इम्यूनिटी का मतलब जो इम्यूनिटी फर्स्ट मतलब प्रेजेंस फ्रॉम द बर्थ, बॉडी के अंदर बर्थ तो ही प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द इनेट इम्यूनिटी. इसके अंदर अपनी बॉडी के फिजिकल फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दोनों आ जाते हैं. फिजिकल बैरियर्स का मतलब है जिहड़ी अपनी स्किन है. देखो स्किन परमात्मा ने क्यों दिती है, ताकि बॉडी के अंदर कुछ भी ना जा सके. सोच के देखो अगर उपर कुछ भी ना हो एनी बैक्टीरिया कैन बी इन द कॉन्टैक्ट विद द बॉडी. जिवें मान लो सपोज आपां किसी हॉस्पिटल च जाने, हॉस्पिटल के अंदर टीबी हॉस्पिटल के अंदर कट वाले परसन अलाउड नहीं होंगे. क्यों नहीं अलाउड होंगे, क्योंकि जिथे कट है उतों की बैक्टीरिया जल्दी इनवेड कर जूगा. तो इन्नी सारी पूरी की पूरी बॉडी ते स्किन है, उसका मतलब की है सो एज टू प्रोटेक्ट. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स अपना जो स्टमक है वह अंदर HCL बन रहा है. वो HCL की कर रहा है कि अगर थोड़े माउथ के थ्रू कोई बैक्टीरिया थोड़ी बॉडी के अंदर चला गया तो वह HCL उन्होंने बैक्टीरियाज नू किल कर देता. प्लस वन च आप पढ़ के आए सी चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वट आर द फंक्शन ऑफ द HCL. अंदर फर्स्ट ही सीगा कि HCL किल्स द हार्मफुल एजेंट्स प्रेजेंट इन द फूड. अगर फूड के अंदर कोई भी हार्मफुल एजेंट है तो उन्हें किल कर देना. तो ये अपनी इनेट इम्यूनिटी के ही टाइप्स ने. उस तो बाद है बेटे वी हैव इज द एक्वायर्ड और अडैप्टिव इम्यूनिटी. जो इम्यूनिटी आप आफ्टर बर्थ एक्वायर करते हैं, चाहे तो डिजीज के थ्रू एक्वायर करिए, चाहे मदर मिल्क के थ्रू एक्वायर करिए, चाहे वैक्सीन्स के थ्रू एक्वायर करिए, वट सो एवर वी आर एक्वायरिंग आफ्टर द बर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अडैप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी. द इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एज द एक्वायर्ड और अडैप्टिव इम्यूनिटी. तो ये सेकेंड इम्यूनिटी होगी बेटे अपनी. तो ये अपनी ओ इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी है. देखो अगर जेड़ा टीका थोड़ी बॉडी के अंदर जेड़ा वैक्सीन गया होया है, उससे वैक्सीन दे अगेंस्ट ही बॉडी वर्क करूंगी. मान लो अपन पोलियो का स्पेसिफिक है ना, नॉन स्पेसिफिक, दिस इज नॉन स्पेसिफिक, दिस इज स्पेसिफिक. जेड़ा टीका लग्या है, मान लो सपोज पोलियो का इंजेक्शन होया होया, वैक्सीन होया होया, तो पोलियो के अगेंस्ट ही वर्क करूंगा. BHC होपिंग कफ ए अगेंस्ट वर्क नहीं करूंगा, ठीक है. तो दैट इज द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अगर स्मॉल पॉक्स की इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप हुई हुई है तो वह अगेंस्ट ही वर्क करूंगी, बाकियों के अगेंस्ट वर्क नहीं करूंगी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की होंगी है बच्चे, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी वह इम्यूनिटी होंगी है जो एक परसन अपनी आप एक्वायर अपने आप उन्हें बनाता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी. कोई वैक्सीन कोई एंटीजन बॉडी के अंदर गया, बॉडी ने अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस की अपने आप, दैट इज एक्टिव. पैसिव इम्यूनिटी मान लो किसी स्नेक बाइट कर गया तो उन्हें किसी होर तो किसी होर परसन की बॉडी चो कोई चीज एक्सट्रैक्ट आउट करके बॉडी के अंदर पाना, तो दैट इज कॉल्ड एज द पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है. एक्टिव इम्यूनिटी इज सेड टू बी एक्टिव व्हेन पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी. जमे इट डेवलप्स व्हेन ए पर्सन सफर्स फ्रॉम ए डिजीज और गेट्स द वैक्सीनेशन फॉर द डिजीज. जो पर्सन उस डिजीज के नाल सफर कर रहे हैं तो उन्हें उस डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन दी गई, तो सच काइंड ऑफ द इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज द एक्टिव इम्यूनिटी. सेकेंड है बेटे पैसिव इम्यूनिटी. यह इम्यूनिटी है बेटे जो एंटीबॉडीज ने जिहड़ियां वह किसी होर परसन की बॉडी के अंदर बनन ते उन्होंने रेडीमेड एंटीबॉडीज नू किसी एंटीजन के अगेंस्ट थोड़ी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल स्नेक वैलम वैनम के नाल काउंटरैक्ट करन लई. तां इनफेंट की इम्यूनिटी की होंगी है बेटे, छोटे बच्चे की इम्यूनिटी वह हौली हौली डेवलप होंगी है, क्लियर. इनफेंट्स इम्यूनिटी एट द टाइम ऑफ द बर्थ वीक होंगी है, हौली हौली जिवें जिवें डिजीज़ के कॉन्टैक्ट के अंदर आता है, जिवें जिवें वैक्सीन रिसीव करता है उवें उवें ओदी इम्यूनिटी बूस्ट होंगी है. जिवें जिवें मदर की बॉडी चो मिल्क है सब करता है उवें उवें ओदी इम्यूनिटी है जिहड़ी वह बनती है. उस तो बाद है बेटे वी हैव इज द हिस्टरी ऑफ द वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन. ये बेटे थोड़ा क्लास लोअर क्लासेस के अंदर सैवंथ और एट्थ क्लास के अंदर कि वैक्सीनेशन वर्ड कितों की आया सीगा, वैक्सीन किवें बनया. That was the history of the scientist Edward Jenner.
इंग्लैंड के अंदर एक पैंडेमिक होया जिवें रीसेंटली COVID-19 एक पैंडेमिक है 17th century के अंदर एक पैंडेमिक होया स्मॉल पॉक्स उस पैंडेमिक दे एज अ रिजल्ट देखो हुण तां आपां नूं स्मॉल पॉक्स लगे कि एक ईजी जी डिजीज है पर उस टाइम ते नहीं सी क्योंकि बहुत सारे लोगों नूं अफेक्ट करके बहुत सारे लोगों की डैथ कॉज कर रही सी हुण जिहड़ा एडवर्ड जेनर सी वॉज वेरी वरिड उन्हें की किया उन्हें एक्सपैरिमेंटेशन करना स्टार्ट करता ही वॉज अ डॉक्टर तो उन्हें की किया वट ही हैड डन इज कि डिजीज्ड परसन की बॉडी चो पस लिया उन्होंने अटेनुएट किया अटेनुएशन वर्ड का मतलब होंगे कि जो भी डिजीज कॉजिंग एजेंट है एंटीजन है उन्हों 99% किल कर दो ओनली 0.1% और इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि उन्हों बहुत वीक करके सिर्फ हल्का जा एक्टिव फेज के अंदर रखो मीन्स अटेनुएशन वर्ड का मतलब है वीक कर देना बैक्टीरिया वायरस एंटीजन नू वीक कर देना उन्हें उन्हों वीक किया एक बच्चा सी वह बीमार सी उन्हें हूँ अपना एक्सपैरिमेंट रैट्स के उपर या बाकी एनिमल्स के उपर कर लिया सी बट वो ह्यूमन के उपर ट्रायल जाता सी हुन एक बच्चा बीमार सी उन्हें उसकी मदर नू कहा कि मैं अगर बच्चे के उपर एक्सपैरिमेंट करा देखो इन्हें वैसे भी यदि डैथ हो जूगी अगर मैं एक्सपैरिमेंट करूँगा तो मेरा एक्सपैरिमेंट फेल भी हो सकता है मदर सी जड़ी शी सेड यस ठीक है उन्हें एक्सपैरिमेंट कराया बच्चा से जड़ा वो बच गया तो उस तो बाद उन्हें वो जी वैक्स उतों की वर्ड आया सी वैका काओ सी काउस की बॉडी चो ये डिजीज फैली सी फिर उतों की वर्ड बनिया सी वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन फिर वो सारी वैक्सीनेशन जो विलेज सी उतों के लोगों को दी गई तो उन्होंने चो बहुत सारे लोग ने जो वो बाद प्रोटेक्ट हो गए फ्रॉम द डिजीज तो जैनर ने की कंकलूड किया बेटे उन्हें उतों की कंकलूड किया कि जी माइल्ड डिजीज है अगर आप छोटे छोटे ड्रॉप्स नू बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वो एक वैक्सीन का काम करता है एंड ही गिवन इट द टर्म वैक्सीनेशन ठीक है उसकी ट्रीटमेंट नू वैक्सीनोथेरेपी भी कहा गया सी ठीक है उस तो बाद बहुत सारिया वैक्सीन एज वी नो मार्केट के अंदर अवेलेबल ने ठीक है हुण अपने को नैक्सट है बेटे बॉडी के डिफेंस मैकेनिजम्स किन्ने तरह के होंगे ने ते ओहो किवें वर्क करते हैं क्लियर हुण अपन नूं ये पता चल गया इम्यूनिटी की है एंटीजन की है एंटीबॉडी की है इम्यूनिटी किन्ने तरह की होंगी है ठीक है उस तो बाद वैक्सीनेशन वर्ड किन्ने दिता सीगा क्लियर इन्ना पता होने तो बाद वी शुड नो कि वट आर द डिफेंसिव मैकेनिजम्स ऑफ द बॉडी अगेंस्ट द पैथोजन बॉडी पैथोजन्स दे अगेंस्ट किवें काम करती है बॉडी दे कोल की हुंदा है बॉडी दे कोल विच दो तरह के डिफेंस मैकेनिजम्स प्रेजेंट हुंदे ने जिन्हों आपां कहने आ फर्स्ट लाइन डिफेंस और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस एंड सेकेंड लाइन डिफेंस जिन्हों आपां स्पेसिफिक डिफेंस भी कह दिंदे आ तो अज आपां हुण आपां डिस्कस करांगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सो आर्टिकल का नाम की है बेटे बॉडी जिहड़ी है वह किवें अपने आप नूं प्रोटेक्ट करती है हाउ द बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज़ेस बॉडी डिजीज़ेस तो अपने आप नूं किवें प्रोटेक्ट करती है सो वी हैव एस डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी और द काइंड्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म किन्ने तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होंगे सो डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का अपने आप को प्रोटेक्ट करना तो डिफेंस मैकेनिज्म है जिहड़ा ये दो तरह का है वी हैव इज द स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म स्पेसिफिक वर्ड का मतलब मैं पहले भी दसिया है कि जेडे एजेंट दे अगेंस्ट थोड़ी बॉडी दे अंदर कोई वैक्सीन गई है वो ओदे ही अगेंस्ट काम करे दैट इज स्पेसिफिक ठीक है नॉन स्पेसिफिक सब लई बराबर होना HCL ऑफ द स्टमक दैट इज इक्वल फॉर ऑल ओदे लई वायरस भी सेम है उन्हें उन्हों भी मारना है ओदे लई बैक्टीरिया भी सेम है उन्हें उन्हों भी मारना है स्किन है जिहड़ी वह वायरस नू भी प्रोटेक्ट करूगी वह बैक्टीरिया नू भी प्रोटेक्ट करूगी सो तो अपने को फर्स्ट है बेटे आप फर्स्ट करांगे नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट है बेटे अपने को एक्सटर्नल डिफेंस और फर्स्ट लाइन ऑफ द डिफेंस
एक्सटर्नल डिफेंस के अंदर बच्चे की आ गया स्किन आ गया मैं पहले ही दसता स्किन सेकेंड वी हैव इज द म्यूकस ठीक है या अपने को जेड़े स्वेट ग्लैंड्स होंगे ने ओह म्यूकस मेम्ब्रेन्स आ गई है अंदर स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन्स जिवें नोज के अंदर म्यूकस ट्रैक है ठीक है उस तो बाद माउथ के अंदर बकोफेरेंजियल कैविटी है रेस्पीरेटरी ट्रैक के अंदर नोज के अंदर है या अपने सारे के सारे रेस्पीरेटरी ट्रैक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है अगर कोई नोज के थ्रू बैक्टीरिया वायरस अंदर एंटर होंगे और म्यूकस उन्हें ट्रैप कर लेंगे माउथ के अंदर जाता है तो सलाइवा उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट हो जाता है तो दैट इज द एक्सटर्नल डिफेंस स्किन रेस्पीरेटरी ट्रैक म्यूकस मेम्ब्रेन्स ए अगेंस्ट वर्क कर दिया ने आईज देखो आई दे अंदर छोटा जा डस्ट पार्टिकल चला जाए नाल दी नाल बाहर कर दिंदियां ने यस आपां नूं जिहड़ा है आईज दे अंदर टीयर्स ने जिहड़े ओह आने स्टार्ट हो जांदे आ नेक्स्ट स्टेप इट इज इंटरनल डिफेंस पहला सी एक्सटर्नल डिफेंस नेक्स्ट स्टेप ने कोल इंटरनल डिफेंस दे अंदर है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स बॉडी दे अंदर केड़े केड़े बैरियर्स प्रेजेंट ने एक्सटर्नल डिफेंस तो बाद वी हैव इज द इंटरनल डिफेंस इंटरनल दे अंदर भी मैं थोड़ा हमने दसिया कि अपने को जिवे स्टमक है उदे अंदर एक्सीएल रिलीज हो रहे सारे ऑर्गन्स दे कोल स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट हुंदे ने ठीक है एजेंटाफीन सेल्स कूफर सेल्स ठीक है आपां पढ़ के भी आए हैं 11th क्लास दे अंदर तां माउथ दे अंदर अपने कोल जेड़ा है वी हैव इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स दे अंदर आ गया वी हैव इज जेड़ा अपना लिवर है उदे चो बाइल रिलीज हो रहा है स्टमक है जेड़ा उदे चो एचसीएल रिलीज हो रहा है इस तो बाद ईयर दे अंदर सिरुमेन रिलीज हो रहा है नोज दे अंदर नेजल सिक्रीशंस रिलीज हो रही ने तो यह बैरियर्स ने बेटे इन्हां दे अंदरों जेड़े सबसटेंसिस रिलीज हो रहे ने वो की करते ने वो बैक्टीरियाज नू हार्मफुल एजेंट्स नू ट्रैप कर लेंदे आ आईज चो टीयर्स दा निकलना ईयर्स चो सिरुमन दा निकलना विजाइना चो विजाइनल सिक्रीशंस दा म्यूकस दा रिलीज होना दैट इज द इंडिकेशन गिवन बाय द बॉडी कि वह अपनी बॉडी नू एक प्रोटेक्शन मिली हुई है परमात्मा वालों कि आपां नू बॉडी प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डस्ट फ्रॉम द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरसिस एंड एनी अदर काइंड ऑफ द सबस्टेंसिस ठीक है बच्चे तो वी हैव इज द नेक्स्ट वी हैव इज द इंटरनल डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ द डिफेंस जिदे अंदर बच्चे अपनी बॉडी के वेरियस सेल्स आ जाते हैं जिमें आप ब्लड के अंदर पढ़ते हैं WBCs पहला आया एक्सटर्नल डिफेंस इन द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर फिजिकल स्किन हो गया फिजिकल बैरियर म्यूकस फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर इंटरनली बाइल रिलीज हो रहा है स्टमक के अंदर एचसीएल रिलीज हो रहा है हुन इंटरनल बैरियर्स के अंदर अपने को आ गया बच्चे एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म इंटरनल डिफेंस मैकेनिज्म इंटरनल के अंदर बॉडी के अंदर सैलूलर बैरियर्स वर्क करते हैं ब्लड के अंदर जो सैल्स प्रेजेंट ने दैट इज WBCs ठीक है आप कहने प्लस वन तो ही WBCs ने जड़े दो तरह के होंगे WBCs प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी टू टाइप्स के होंगे ने ए ग्रेनुलोसाइट्स जिन्हों का न्यूक्लीअस फरदर इंपार्टेड नहीं होंगे ग्रेनुलोसाइट्स जिन्हों का न्यूक्लीअस फरदर डिवाइडेड होंगे एंड इदा दे अंदर की आ गए ए ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर ईओसिनोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ये सारे दे सारे सेल्स कर की रहे ने अल्टीमेटली ये बॉडी दे अंदर ब्लड दे अंदर जब भी कोई पैथोजन आ जाता है ये उन्हें खा जाते हैं ठीक है तो यह अपनी बॉडी दे सोल्जर्स ने अपनी बॉडी दे स्क्वेंजर्स ने एक काम किवें करते ने ये फाइव साइंस देंदे ने जो बॉडी दे अंदर कुछ भी जाता है तो बॉडी दे अंदर इनफ्लामेटरी रिएक्शन देंदे है पस फीवर है जेड़ा ओहो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है फीवर का मतलब की है मतलब बॉडी के अंदर कुछ गया है जिदे अगेंस्ट बॉडी फाइट कर रही है तो बॉडी आपां सिम्टम दिंदी है कि देयर इज समथिंग रोंग वेंट इनसाइड द बॉडी क्लियर है बेटे तो इस जेडे सेल्स ने अपने मोनोसाइट्स मैक्रोफाजेस लिम्फोसाइट्स ठीक है ल्यूकोसाइट्स दीज ऑल आर द सेल्स विच आर प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट द
इनफेक्शन. ठीक है बेटे, तो इतों तक अपना है जो एक आर्टिकल कवर हो जाता है. तो सैलूलर बैरियर के अंदर बेटे न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफाजस एक ही कर रहे ने, एक इनफेक्शियस एजेंट्स नो खा जाते हैं. ये बॉडी के नैचुरल सोल्जर्स एंड स्क्वेंजर्स ने. ये करते कि ने बॉडी के अंदर इनफ्लमेटरी रिएक्शंस कॉज करते ने, फीवर हो जाता है जिन्होंने बॉडी का एंडोजीनस पायरोजन सिस्टम कह दें या लोकलाइज सिस्टम भी कह दें. क्लियर, तो यह अपने को बॉडी का नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है जिसे अंदर सैलूलर फिजियोलॉजिकल फिजिकल बैरियर्स ने जिहड़े वो बॉडी नू प्रोटेक्ट करन लई हेल्प करदे आ. तो गॉडली अपने कोल इन्ने सारे सेल्स इन्ने सारे बैरियर्स प्रेजेंट ने. इस तो बाद अपने कोल आंदा सेकंड आर्टिकल, दैट इज द स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. अज आपां ने डिस्कस कीते नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम जिहदे अंदर अपने कोल आया एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल दे अंदर बेटे तुसी कर सकते हो फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, इंटरनल दे अंदर अपने कोल आ गया सेलुलर बैरियर्स. क्लियर है, इथों तक ही करांगे. नेक्स्ट आर्टिकल है जिहड़ा वो आपां कल दी क्लास दे अंदर डिस्कस करांगे. इथों तक रीड कर लियो. संडे नूं बच्चे देयर विल बी द टेस्ट इम्यूनिटी तो पहले पहले जिहड़ा डिजीजेस वाला डिजीज हेल्थ ए वाला पोर्शन होया है संडे नूं उथों तक टेस्ट होगा. एंड मैं टाइम है जिहड़ा टेस्ट दा वो तुहानूं अनाउंस करूंगी कल कि किन्ने बजे टेस्ट होगा. सिर्फ छोटा जा आर्टिकल है 3-4 पेजेस इन आई थिंक सो. डिजीज की है, डिजीजेस किन्ने तरह दियां ने, फर्दर डिजीजेस दी जिहड़ी डिस्क्रिप्शन है उहदा टेस्ट होगा. ठीक है, इम्यूनिटी वाला पोर्शन जिहड़ा अपने अज स्टार्ट कीता है ये थोड़े टेस्ट दे अंदर इनवॉल्व नहीं होगा. थैंक यू सो मच.